मोनिका विशाल। आज मेरे हाथों में लगी है मेहंदी और आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई गाइस। आज मेरे हाथ और पैर दोनों जगह मेहंदी लगी है, तो आप गेस करके बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि बिकॉज मेरी पैकिंग चल रही है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मेरा लगेज और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अभी कितने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं। और ये है मेरा स्वीट सा पांडा जो कि बहुत क्यूट है गाइस। ये कोने में बैठा रहता है बेचारा, जब से ये गए हैं ना तब से इसको खिलाने वाला कोई नहीं है। बेचारा कोने में ऐसा पड़ा रहता है ढीठ की तरह। ये देखो, और इतना लद्दड़ है ना कि इसके पैर इसके यहाँ टेबल पे लगाने पड़ते हैं। ये देखो कितना लंबा है, ये देखो। तो गाइस चलो जल्दी से कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि आज मैंने पूरा रूम अपना फैलाया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ स्लीपर पड़ी है, वहाँ पड़ी है। सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इनको संभालने के लिए। फटाफट कर लेती हूँ पैकिंग, उसके बाद मिलते हैं आपको जल्दी से, ओके? मेरे पास कपड़ों के कितने सारे कलेक्शंस हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है एक बार भी। ये सब लेके जा रही हूँ। अब जा रहे हैं तो सब लेके जाना ही पड़ेगा भाई। आज मैंने सुबह ही इनको सबको प्रेस करने में लगी हुई थी, इस चक्कर में गाइज ये वाला सूट ना मुझे अपना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये वाला, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस जल्दी से पैकिंग हो जाए मेरी, आज चलते हैं फिर आगे। ये मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है और टाइम बज रहे हैं 12 और मैं देखो क्या कर रही हूँ अभी। ठीक है, 12 बजे मैं क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मुझे जाने की इतनी खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है आज मेरी पूरी रात ना इसी में ही जाने वाली है। अभी ना मैंने कुछ पहना वहना है कुछ भी, सब कुछ पहन वहन के सोऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं कर रही थी अपने बाल स्ट्रेट और मैं दिखाती हूँ मेरे साथ वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये नहीं भाभी की इंसान मदद करा ले, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। यहाँ ये देखो, ये फ़ोन चल रहा है रात को 12:30 बजे और वो भी देखो। ठीक है 11:15, झूठ मत बोलो, ठीक है ना, 12:30 हो रहे हैं, ये मजे ले रही है गाइस, ठीक है। ताकि इसको डांट ना पड़े फोन आ रही है। देखो सीधा नहीं लेटना है, गर्मी लग रही है लेकिन कंबल के ऊपर लेटना है। ये हमारी इमारती हैं जो हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं सुबह, ब्लॉग आप पूरा एंड तक देखने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मेरी सिंगल ट्रिप है जो कि मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ गाइस। मैं कभी घूमती कहाँ फ्लाइट्स में, है ना, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ ना। इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है भाई। इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है और इतनी साफ सफाई होती है, इतनी साफ सफाई होती है गाइस, बस पूछो ही मत। गर्मी तो महसूस ही नहीं होती वहां पे, एसी भी लग रहे हैं बड़े बड़े। ऐसे मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सुबह, है ना, क्योंकि अभी हम लोग पैकिंग वगैरह कर ले, रेडी हो रहे हैं, मतलब शाबरती में एक्सप्रेस में कर लो। लेकिन एयरपोर्ट पे मत करना, ठीक है, नाप के लेना होता है। हाँ गाइज पता है मेरे टिकट्स पे ना 15 kg का वेट है ओनली। और पता है हम जब से पापा आ रहे हैं तोल रहे हैं, मोना अपने कपड़े निकालो, मम्मी आ रही है मोना अपने कपड़े निकालो, अभी 15 kg से ज़्यादा आई है। और वहाँ जाके देखते हैं भाई कितना किलो बैठता है। तो मिलते हैं फिर सुबह मॉर्निंग में, ओके बाय। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सुबह उठी थी 4 बजे और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अब बस मेरी निकलने की तैयारी हो रही है क्योंकि घर से मैं निकल जाऊंगी 6 बजे, 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है। पैकिंग भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, पूरी रात टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा सोने से अच्छा है कि रेडी हो जाती हूँ। मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। मम्मा भी पूरी रात से इतनी टेंशन में थी कि भाई मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ। अकेले जाने का डर क्या होता है मेरे को से पूछो गाइस, सच्ची में अंदर से बहुत डर लग रहा है। जब तक पहुंच नहीं जाऊंगी ना तब तक अंदर से धक 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 होती रहेगी। चलते हैं नीचे, पहले एक बार आपको अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ। वेट, ये थी मेरे हाथ की मेहंदी, ठीक है। ये मेहंदी बहुत ही प्यारी लगी,
और मैंने पजेब नहीं पहनी हुई है, पजेब पहनूंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी मैंने जीन्स पहनी हुई है, सो जूते में मेरे को हो बहुत ज़्यादा चुभेंगी, इसलिए मैंने पीछे भी एक ही एक पहने हुए हैं अभी। गाइज मेरा ना अभी ट्रॉली उतार रही थी और देखो फिर आज मेरा फिर से नाखून उतर गया। ये वाला नाखून जब उतरा था, जब मैं इनको छोड़ने गई थी, मेरे पैर पे चढ़ गए थे, और ये वाला नाखून अभी ट्रॉली उतार रही थी, जीने पे से उतर गया। देखो गाइज पूरा निकल गया ये, पता नहीं क्यों कहीं भी जाने से पहले ना मेरे एक बार चोट ज़रूर लग जाती है। लो मैं दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। सो मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है इस पीछे सोई पड़ी है हमारी मैडम, और मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट चाय वगैरह पी लेती हूँ, और फिर करते हैं निकलने की तैयारी। क्या ले लो गाइस? ये ना कोई रस्म होती है जब लड़की मतलब कहीं जाती है, तो सबसे पहले ना ये उसकी झोली में ना चावल और कुछ पैसे रखे जाते हैं। तो मैं जब भी घर से जाती हूँ ना, तो मम्मी ये चीज़ ज़रूर मेरी झोली में मेरे को देती है। तो ये चीज़ मेरे ससुराल में ही होती है, तो वही जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मम्मी ये ज़रूर कर रही होती है। फिर ये क्या होता है ना, फिर ये मम्मा मुझे देती है, तो ये ला के मुझे अपने घर पर देना होता है। और फिर यहाँ से जो मैं यहाँ से भी सेम चीज़ होती है, मैं अपने घर से इसको लेकर जाती हूँ, तो ये फिर मुझे वहाँ जाके देनी होती है। तो ये इधर से उधर ये चावलों का लोड फेयर होता है, तो ये जब भी मैं अपने ससुराल से आती हूँ तो ये मम्मा मुझे ज़रूर देती है। ओ गाइस यहाँ पे हम लोग अपने घर से निकल चुके थे और अंधेरा बहुत था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, और यहाँ मेरे देवर और मैं दोनों एक्टिवा पे थे, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोगों का टारगेट था कि वो मुझे आधे घंटे में छोड़ देंगे, और फाइनली पता उन्होंने मुझे आधे घंटे में छोड़ दिया एयरपोर्ट पे। तो गाइस देखो अहमदाबाद कितना सुंदर है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट देखिए हम लाइट में सच्ची बता रही हूँ वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट ना वहाँ पे बस खाने पीने की चीज़ें इतनी नहीं मिलती हैं, ठीक है, बट वहाँ पे रहना और मतलब कि इतना ज़्यादा एरिया ऐसा है आप खुद देख सकते हैं। गाइस मैं अकेले एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ और अब मैं करा रही हूँ अपना लगेज चेक इन। अकासा, मेरा अकासा का काउंटर ये है आपका अहमदाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पे मैं करा लेती हूँ लगेज जमा, फिर देखते हैं आगे। गाइस बोर्डिंग मिल चुकी है और निकल रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है मिलते हैं आगे। ओह जान सूखी पड़ी है मेरी गाइस, सच में बहुत डर लगता है यार अकेले जाने में। आज के बाद मैं कभी अकेले नहीं आऊँगी, आज कैसे भी करके पहुँच जाऊँ बस। मिलती हूँ आपको आगे, ठीक है गाइस? बहुत घबराहट हो रही है गाइस, ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट। शो गेट नंबर 4 कहाँ है भाई? यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, मतलब मैं अकेले जाने में गई सच में बहुत नर्वस थी। कल ना मैंने रील बनाई ना मैंने ब्लॉग शूट। भाई सच में फ़्लाइट में बैठने के बाद ना मुझे थोड़ा सा हुआ था कि भाई अब तो पहुँच जाएगी, जब यहाँ तक बैठ गई है तो अब तो फाइनली पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी मन अंदर से इतना घबरा रहा था कि बस जल्दी से बैठी हूँ फटाफट उतर जाऊँ, मतलब
यार सच्ची में, अब मैंने एक बार अकेले ट्रैवल कर लिया, अब देखती हूँ सेकंड टाइम क्या रहता है क्या नहीं। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। उड़ान के दौरान सीट बेल्ट साइंस बंद होने के बाद मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड पर किया। गाइस पता है फ्लाइट में क्या हुआ, ये जो बंदा मेरे बगल में सो रहा है ना, पता है जब भी मैं फ़ोन चलाऊँ ये फ़ोन में मेरे झांकने लगे, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको कुछ बोल दूँ। इस चक्कर में ना मैंने रील बनाई ना कुछ किया, मैंने कहा छोड़ इसकर जब। और गाइस पता है क्या हुआ, जब फ़्लाइट उड़ गई ना तो मतलब ना इस बार की सीट ना मेरी इतनी ख़राब थी, बिल्कुल एफ रो में थी, तो पता है बिल्कुल ऐसा लग रहा था पूरे रास्ते ना मेरा मन घबराता रहा, क्योंकि ना जब भी प्लेन ऊपर हो रहा था ना तो पता है क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब इंसान टेढ़ा ही बैठा रहेगा। अगर वो घूम भी रहा था ना तो आपको पक्का महसूस होगा कि भाई अभी अभी प्लेन ऐसे मुड़ रहा है, अभी ऐसे मुड़ रहा है। तो मैं और ज़्यादा घबरा रही थी कि यार मैं अकेली हूँ और अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमेशा मेरी सीट्स आगे की होती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी सीट इतना रो में मेरे पीछे मिली। देखिए मतलब अगर ये उड़ भी रहा था ना तो उसकी एक एक चीज़ें महसूस हो रही थी कि भाई अब ये उड़ रहा है, अब ये ऐसे मुड़ रहा है, मतलब सब चीज़ें। मैं सच बताऊँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी, बट ठीक है फाइनली मेरी ठीक ठाक घर पर पहुँच गई बिना किसी डर से। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अहमदाबाद कर दिया है क्रॉस। गाइस यहाँ मैं उतर गई थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो सो यहाँ पे मैं उतर रही थी, और उतरने के बाद यहाँ से फिर बस ने रिसीव किया हमें आपका टर्मिनल पे छोड़ने के लिए। यहाँ पे बस मुझे दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आप कभी भी फ्लाइट से उतरोगे तो आपको बस पिक करेगी, फिर यहाँ से आपको टर्मिनल पे लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ से टर्मिनल काफ़ी दूर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सभी की देखिए बस लगी हुई है, तो यहाँ से आपको टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 पे ले जाके छोड़ेगी। बाकी जगह क्या होता है कि आप भैया खुद आराम से उतर के जा सकते हो, मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं होता है, और अहमदाबाद इसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा एयरपोर्ट है नाम उसका। पहुंच चुकी हूँ दिल्ली और यहाँ मैंने अपना सामान भी पिक कर लिया है, और अब ले रहे हैं एग्ज़िट और चलते हैं घर। तो फाइनली मैंने सस्पेंस खोल दिया कि मैं अपने घर जा रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे ना मैं कहाँ जा रही हूँ, तब तक ये ब्लॉग डल चुका होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जस्ट बस अब यहाँ से निकलने का देख रही हूँ एग्ज़िट कहाँ पर है कहाँ नहीं। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। हाय, बहुत टाइम बाद आज मेट्रो का ट्रैवल करूँगी, तो अच्छा सा फील हो रहा है यार, अपने शहर की बात ही अलग होती है। तो मिलते हैं आगे। गाइस यहाँ के ना टर्मिनल्स इतने बड़े बड़े, भाई कब से चले जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन नहीं आके दे रहा है। अभी मैं टर्मिनल 3 पे चल रही हूँ, ये देखो फ्लाइट्स में भी जाने के लिए यहाँ पे लोगों के बस वगैरह लगी हुई हैं। अब देखती हूँ यहाँ पे जाके कहीं मेट्रो का रूट मुझे पता चले तो, भाई अकेले नहीं आना चाहिए इतना पता है। ये देखो यहाँ पे मेट्रो भी जो है वो इंटरनेशनल है भाई। चलती हूँ देखती हूँ आगे। मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ, ये रहा दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट स्टेशन, बहुत ही दूर है यार, साला पागल बना दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में पहली बार आई हूँ। तो गाइज यहाँ मैं आया हूँ रेलवे आपका मेट्रो स्टेशन, बट यहाँ का मेट्रो स्टेशन तो बहुत ही अच्छा है यार। उफ़ सी प्लेटफॉर्म टिकट्स, चलते रहो। और गाइस सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है आपका, एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है ये, तो ये दिल्ली मेट्रो है आपका एयरपोर्ट वाली मेट्रो। तो इसमें पता है क्या है, सब चीज़ मतलब मेट्रो ही बड़ी अलग है, सीटिंग भी बिल्कुल अच्छा है, और यहाँ का किराया भी ज़्यादा लगता है। सिर्फ 4 स्टेशन पड़ते हैं यहाँ पर, और जो कि सिर्फ इसी के लिए चलती है, टर्मिनल 3 से चलती है ये आपकी, जो कि आपका शिवाजी धोला कुआ और न्यू दिल्ली तक जाती है बस।
ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल तो काफ़ी अच्छा है ये वाला मेट्रो स्टेशन, तो अब इसलिए आप अपने घर पहुंच सकते हो इससे। तो मैंने ये वाला ही लिया, मैंने सोचा इतनी देर में फैमिली लेने आएगी तो इससे बेटर यही है कि मैं मेट्रो स्टेशन से ही पहुंच जाऊं, क्योंकि वो नीचे से लेने आती हो भाई और मैं मेट्रो से अपना ऊपर ही ऊपर पहुँच गई, तो बल्कि मेरे को टाइम भी कम लगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मुझे नई दिल्ली पहुँचने में लगा 1 घंटा पूरा, फिर नई दिल्ली से फिर दोबारा से मेट्रो लिया कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से देन फिर नेक्स्ट मेट्रो, तब जाके गाइस मैं 2 बजे तक पहुंची अपने घर। और सबसे अच्छी खुशी की बात पता है क्या थी कि मैं इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट दे रही थी और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मिलके मुझे देंगे सरप्राइज, तो ये उन्होंने। गाइस तो पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर और मैं बीच के यार सारे ब्लॉग नहीं बना पाई, मिस हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका था स्विच ऑफ। सो मैं घर पर आई हूँ अभी 2:30 बजे, 2 से 2:30 बज गया मेरे को घर आने में, क्योंकि पहले मैं वहाँ उतरी थी फ्लाइट से, फिर उसके बाद मैंने मेट्रो लिया नई दिल्ली तक के लिए, फिर नई दिल्ली से आई कश्मीरी गेट, फिर कश्मीरी गेट पे मैंने कुछ खाया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, फिर चाचू मुझे पिक करने आए, फिर चाचू मेरे लिए बिरयानी लेकर आए और अंगूर भी लेके आए। ये रे ये है मेरा भाई, टन टन, ये खा रहा है, ये बिरयानी खा रहा है ये भी। तो फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और वो सस्पेंस मैंने खोल दिया जो सुबह से मैंने बनाया हुआ था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइज मैं घर पे आई हूँ अपने, अब शायद आपको डेली के रील्स और ब्लॉग मिलेंगे यहाँ पे नए नए अगर मैं कहीं जाऊँगी तो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और बाकी पूरा दिन देखते हैं आज पूरा दिन क्या करती हूँ, कुछ नहीं करूँगी, थकान बहुत हो रही है तो शायद सो भी जाऊँ थोड़ा सा। ठीक है, बाय बाय। अच्छा।